Assalamualaikum everyone, welcome to the 8th video of Microsoft Excel, the easiest, smartest and free way to learn. अब तक की वीडियोस में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने एक्सेल की शीट में स्टाइल्स के सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने कंप्लीट टेबल को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने अगर एक पर्टिकुलर सेल को स्टाइल देना चाह रहे हैं तो वो कैसे दे सकते हैं. सो कंटिन्यू करते हैं. हमारे पास यहाँ पर मंथली वर्किंग आवर्स मौजूद हैं. यहाँ पर जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ के नेम आ रहे हैं, इन एम्प्लॉयज़ के नेम के आगे इनके मंथली वर्किंग आवर्स आ रहे हैं एंड ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी एंड उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हमने ये कहा कि फॉर सपोज़ कंपनी का जो मैनेजर है या कंपनी का जो सीनियर है वो कहता है कि हमारी कंपनी में जो भी 40 घंटे से ज़्यादा मंथली वर्क करेगा तो उसे बोनस मिलेगा. तो बोनस के लिए एलिजिबल हमारे पास जो है वो ग्रीन वाले हैं, येलो वाला जो है वो भी मिड के अंदर है, रेड वाला बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है एंड ग्रीन वाला एलिजिबल है. तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको अलग फॉर्मेटिंग की स्टाइलिंग भी देना चाह रहा हूँ. तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले जाता हूँ 56 पर क्लिक करता हूँ. 56 वाले के बाद मैं यहाँ पर सेल स्टाइल्स पे आता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पर सेल स्टाइल्स में ऑप्शन मौजूद हैं, नॉर्मल, बैड, गुड एंड न्यूट्रल. मैं यहाँ पर इसको न्यूट्रल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास न्यूट्रल हो रहा है. एंड अब मैं सेकेंड वाले पे क्लिक करता हूँ. क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा सेल स्टाइल्स पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ बैट. तो ये देखिए इसे कंप्लीट इसका कलर जो है वो बैट पे चला गया है. ये मेरे पास 40 वाला जो आ रहा है इसको मैं अलग देना चाह रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि हाँ ये गुड चल रहा है अभी भी, या फिर इसको मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल चल रहा है, इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ. देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 50 वाला मौजूद है, इसको मैं कहता हूँ गुड चल रहा है. ओके, तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर सेल को स्टाइल्स देना चाहते हो तो आप दे सकते हो. हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेलिंग स्टाइल्स मौजूद हैं. अगर आप पर्टिकुलर हेडिंग्स सेल्स को देना चाह रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर ये हेडिंग्स मौजूद हैं. हेडिंग अगर मैं अपनी कंप्लीट रॉ को सेलेक्ट करता हूँ, उसे क्रिएट करने के लिए मुझे बोल्ड में जाना होगा, मुझे इसके साइज को बड़ा करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. तो ये आपको कुछ बनी बनाई सेल स्टाइल्स के अंदर हेडिंग मिलती हैं कि अगर आप हेडिंग 1 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 या फिर टाइटल की हेडिंग आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं. ओके, मैं यहाँ पर इसको हेडिंग 3 सेलेक्ट कर देता हूँ. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेल स्टाइल्स में ऑप्शन मौजूद है टोटल का. टोटल के अंदर आपके पास यहाँ पर नीचे दो लाइंस आ रही होती हैं अकाउंटिंग वे के अंदर. तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर इन सैलरीज़ का टोटल निकल कर आए तो इन सैलरीज़ के टोटल को निकालने के लिए मैं अगर यहाँ से कोई फार्मूला लिखता हूँ तो ये मेरे पास इन सैलरीज़ का टोटल आ गया, ये देखिए. अब जब टोटल मेरे पास यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर नीचे कोई डैशेस लाइन नहीं आ रही है, कहीं पता नहीं चल रहा अगर ये टोटल नहीं लिखा होता तो. मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ. क्लिक करने के बाद मैं सेल स्टाइल्स पर जाकर यहाँ पर टोटल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर्स की लाइंस आ रही हैं. अब वाज़े हो रहा है कि ये मेरे पास इसका टोटल निकल गया है. ओके, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सेल स्टाइल्स में आप देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट्स मौजूद हैं. अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो सैलरी का नंबर मैंने लिखा हुआ है इसे मैं सेल स्टाइल्स में जाकर कॉमा के साथ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ. आपके पास और मौजूद है कि आप उसको बिना कॉमा के एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो. देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप करेंसी के साथ उसे लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, या फिर आप अपने सेल स्टाइल में जाकर अपने किसी भी नंबर को परसेंटेज के हिसाब से अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं. इसी सेल स्टाइल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मौजूद है मर्ज स्टाइल्स का. सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलें न्यू सेल स्टाइल हमारे पास क्या कर रखा होता है. अगर हम अपना ही खुद का कोई सेल स्टाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर एक नया सेल स्टाइल क्रिएट हो जाए, इस पर क्लिक करता हूं. क्लिक करने के बाद मैं स्टाइल 1 उसका नाम रख रहा हूं एंड फॉर्मेटिंग पर जाकर मैं उसको बॉर्डर कलर देना चाह रहा हूं एंड मैं कहता हूं कि उसके बॉर्डर का जो कलर है वो मेरे पास रेड होना चाहिए. देन मेरे पास यहाँ पर मुझे कौन से बॉर्डर्स नज़र आने चाहिए, टॉप नज़र आना चाहिए, लेफ़्ट नज़र आना चाहिए, बॉटम नज़र आना चाहिए एंड राइट बॉर्डर नज़र आना चाहिए. और राइट, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो ये फिल होता हुआ भी नज़र आ जाए, पर्पल कलर के अंदर ये फिल हो जाए एंड जो इसका
फॉन्ट कलर है वो फॉन्ट कलर मेरे पास यहाँ पर आकर वाइट हो जाए। मैं इसे ओके करता हूँ एंड अगेन ओके करता हूँ। ये देखिए जब मैं सेल स्टाइल्स पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मेरा एक कस्टम बना हुआ आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने बॉर्डर्स लगाए थे रेड कलर के वो बॉर्डर्स भी आ रहे हैं एंड जो फॉन्ट कलर मैंने इसमें चेंज किया था वो भी आ रहा है। ओके तो ये मैंने अपना खुद का सेल स्टाइल यहाँ पर क्रिएट किया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मर्ज स्टाइल्स का मौजूद है। मर्ज स्टाइल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है मर्ज स्टाइल्स फ्रॉम, कहाँ से करना चाह रहे हैं। यहाँ लिखा है चूज एन ओपन वर्कबुक टू कॉपी इट्स सेल स्टाइल्स इनटू दिस वर्कबुक, यानी कि मुझे किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर से स्टाइल कॉपी करने का मौका मिल सकता है इस वर्कबुक में। अभी जिस तरीके से मैंने आपके सामने ये सेल स्टाइल क्रिएट किया इस शीट के अंदर, अगर मैं किसी और शीट को लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई और वर्कबुक कोई और शीट ओपन करता हूँ एंड शीट ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर मैं एक नया सेल स्टाइल क्रिएट करता हूँ। नया सेल स्टाइल क्रिएट करने के बाद मैं इसका नाम देता हूँ स्टाइल फॉर शीट। ये रखने के बाद मैं इसे फॉर्मेट देता हूँ। फॉर्मेट देने के बाद मैं इसके सेल को ब्लू कलर दे देता हूँ, इसका जो फॉन्ट कलर है उसे ब्लू कलर दे देता हूँ एंड फिल के अंदर आकर मैं इसे कहता हूँ कि आप जो फिल हो जाएंगे वो रेड से फिल हो जाएंगे। ओके करता हूँ एंड यहाँ पर भी ओके कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ सेल स्टाइल क्रिएट किया है यहाँ पर, ये इस शीट में मेरे पास क्रिएट है। जब मैं दोबारा अपनी दूसरी शीट में जाता हूँ जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो कस्टम पे नज़र नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ भाई मर्ज सेल स्टाइल्स, यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है बुक वन का। बुक वन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जब मैं उसे ओके करूँगा, ओके करने के बाद अब जब मैं यहाँ पर सेल स्टाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे पास ये दूसरी शीट से उठकर आ गया है। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, किसी और सेल पर होवर करता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं उस सेल स्टाइल को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं दूसरे सेल स्टाइल को भी अप्लाई कर सकता हूँ। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Allah Hafiz. Now, if you found this video helpful, please make sure to like it, share with a friend who may need it, and subscribe to my channel and press the bell icon for more videos like this one. And thanks for watching.